पंचायती जमीनों के उत्ते धक्का बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अज जे पंचायती जमीन इन्नी महंगी हो गई है तो सरकार वो उत्ते कब्जा करना चाहती है। जे पिंड के लोग नहीं मान रहे, जे पिंड के पूरी एक यूनिटी आ पिंड की है ना, और पिंड ही चूज करता सरपंच या पंच, उन्हां दी पावर बहुत ज़्यादा होंदी है, सरकार उत्ते धक्काशाही नहीं कर सकती। भी अपना ईमान ना वेचो, शराब दी बोतलां ना लो, ना ही अपने किन कहिंदे सूट लो, ना किसी तो कोई किसी भी तरीके की मदद लो, ठीक है। अपनी वोट की कीमत जानो, उस इंसान को पाओ जिहड़ा तुहाडे वास्ते तुहाडे हक सच वास्ते लड़े। चुकना पऊगा ही साडे किसान, असी खुद चुकी भी जावांगे लोगों को लाभवान करने वास्ते और बीजेपी बायकॉट का विरोध करने वास्ते। इस तरीके दे नाल पिंडा पिंडा दे विच भी असी लाभवान करते फिर रहे हैं। मैं हरियाणा भी गई हाँ, राजस्थान भी गई हाँ। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ अजय राठौर, तो तुम वेख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी। इस वेले खड़े हाँ असी ब्लाक माजरी विखे, जो कि डिस्ट्रिक्ट मोहाली दे अंडर पैंदा है, और इत्थे दी अज अगर खास असी गल करिए कि कारण है कि इत्थे जिहड़ियां ने संयुक्त किसान मोर्चे वालों पिंड चंदपुर के जिहड़े वसनीक ने उहनां दे नाल रल के जिहड़ा कि ब्लाक माजरी BDPO ऑफिस है उसके बाहर धरना लगाया होया, तो गेट भी बंद कर दिता गया है। तो संयुक्त किसान मोर्चे वालों अज जिहड़ा ये धरना लगातार जा रही है, तो कारण की है कि पंचायती जमीन पिंड चंदपुर की जिहड़ी लगभग 80 या 90 एकड़ जिहड़ी पंचायती जमीन है, उस दे विच्चों कुछ एकड़ जिहड़ी जमीन है उसनू लीज़ ते देण दा एक मामला सामने आया सीगा, जिस तों बाद जिहड़े इत्थे दे जिहड़े चंदपुर के जिहड़े लोग सीगे उहनां दे विच रोस पाया गया कि जदों केस हले कोर्ट दे विच विचाराधीन है, तो उस तों पहलां ही क्यों ये लीज़ ते दित्ती जा रही है जमीन। तो इस वेले साडे नाल संयुक्त किसान मोर्चे तो मैं मौजूद ने, उन्होंने असी गलबात करने की कोशिश करते हैं। मैम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैम आज आप संयुक्त किसान मोर्चे वालों चंदपुर पिंड के जिहड़ी पंचायत के खिलाफ जिहड़ा धरना या BDPO के खिलाफ धरना है, चंदपुर जमीन का जिहड़ा पंचायती मामला सीगा, आप इत्थे धरने ते पहुंचे हो, इस मामले प्रति की कहना आपका? देखो जी, इस मामले प्रति यही कहना है भी सरकारां नूं धक्का नहीं करना चाहिए, पंचायती जमीनों के उत्ते धक्का बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अज जे पंचायती जमीन इन्नी महंगी हो गई है तो सरकार वो उत्ते कब्जा करना चाहती है। जे पिंड के लोग नहीं मान रहे, जे पिंड के पूरी एक यूनिटी आ पिंड की है ना, और पिंड ही चूज करता सरपंच या पंच, उन्हां दी पावर बहुत ज़्यादा होंदी है, सरकार उत्ते धक्काशाही नहीं कर सकती। सो इस करके सरकारां नूं पिंड की सहूलत बारे या पिंडां दे लोकां दी एक राय लैनी चाहिए है, एवें धक्का शाही करके उन्हां दी जमीन नहीं हथियानी चाहिए। जिथे कि अज सेंटर के खिलाफ जिहड़े किसान ने वह जदोजहद कर रहे हैं, क्योंकि जिहड़े किसानां दे प्रति जिहड़े 3 जिहड़े कानून लियांदे गए ने और उन्हां नूं किसानां वल्लों काले कानून दस्सिया जा रहा है, और जिथे वह सेंटर के खिलाफ इस वेले रोस मुजहरे ते बैठे ने, मुजहरा कर रहे ने, उस दे नाल नाल स्टेट गवर्नमेंट दे नाल भी उन्हां नूं इस तरह के मोर्चियां ते लड़ना पै रहा, इस प्रति की कहना उहदा? देखो बहुत वधिया गल है कि पंजाब दे विच इस तरह का इनकलाब आया है कि लोग अपने हकों प्रति जागरूक होए ने और उन्होंने एवें धरने लाने शुरू किए ने। ये सारे धरने जिहड़े पहलों भी लगते सीगे बट सरकारां तक इहदी गूंज नहीं पहुँच पाती सी। आ संयुक्त किसान मोर्चे ने जिहड़ा एड्डा वड्डा धरना लाया है, जिहड़ा किसानां दा एड्डा वड्डा धरना है, उस धरने ने इन्हां लोगों नूं इन्ना क ज़्यादा लाभबंद किया है कि अज साडे पंजाब च इनकलाब है कि सारे अपना अपना अपने हकों प्रति जागरूक होकर अपने धरने अपनी आवाज़ जिहड़ी है वह सरकारां तक पहुँचा की कोशिश कर रहे हैं। और खास करके वधिया गल है कि इलेक्शन तो पहलों यह सब कुछ हो रहा है ताकि लोगों को भी पता है भी आप किनू चूज करना है और केड़ा साडा काम कर रहा है, केड़ा साडा काम नहीं कर रहा। अमूमन असी देखते हैं कि इलेक्शन के दौरान जिहड़े लोग ने या जिहड़ियां पार्टियां बहुता पैसा बंड दिंदियां ने या किसी तक किसी भी तरह तो लालच दे के वोटर्स नूं अपने वल ले आंदियां ने, ते उसका किते ना किते असर जिहड़ा है कि अगे जिहड़ा नतीजियां ते भी जांदा है। इस प्रति आप पंजाब दी घट्टो घट आपां पंजाब दी गल करिए, पंजाब दी पब्लिक नूं आप की कहना चाहते हो, जनता नूं की कहना चाहते हो कि आने वाली चोणां दौरान सानूं कीवें दा ध्यान रखना पवेगा? मैं यही कहना चाहुंदी हां पंजाब दे विच कि पार्टीबाजी तो उत्ते उठ के पहले तो संयुक्त किसान मोर्चे को सपोर्ट करो। बाकी गल है भी जिवें आपां कहने आ भी अपना ईमान ना वेचो, शराब दीआं बोतलां ना लो,
ना ही अपने किनूं कहिंदे सूट लो, ना किसी तो कोई किसी भी तरीके की मदद लो, ठीक है। अपनी वोट की कीमत जानो, उस इंसान नूं पाओ जिहड़ा तुहाडे वास्ते तुहाडे हक सच वास्ते लड़े, ठीक है। उहो जे लोकी अग्गे लैके आओ, अपने बच्चों अग्गे करो, जां तुहाडे इलाके का कोई भी ईमानदार पढ़िया लिखिया बच्चा होगा उहनूं अग्गे लैके आओ, ताकि तुहाडे तुहाडे इलाके दे काम होण। जे उह नहीं करदा उस तों बाद दूजा लैके आओ। फैमिली ट्री बनाउणा बंद करो। सेंटर खिलाफ इस वेले किसान संयुक्त किसान मोर्चे वालों लगातार जिहड़ा है कि रोस प्रदर्शन जारी ने, धरने जारी ने, कि इस प्रैशर दे नाल जिहड़ा है कि किसान मोर्चे का जिहड़ा प्रैशर है उहदे नाल जिहड़ी सेंटर की सरकार जिहड़ी है झुकेगी? ਝੁਕੂਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕੂਗੀ? ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ। ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਯੂਪੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਭਬੰਦ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 3B2 ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਭਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਨੇ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕੋ, ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ RSS BJP ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਫਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਦਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ। ਅਜੇ ਰਾਠੌਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ।